कल है ना मैंने मेरे विंडो गार्डन का थोड़ा सा मेकओवर किया है, क्योंकि जो भी पौधे थे ना पुराने वाले जो सूख गए थे धूप धूप की वजह से, तो मैंने वो निकाल लिए हैं और कुछ नए गमले भी लगाए हैं और नए प्लांट्स भी मैंने लगाए हैं, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। और हैंगिंग पॉट में जो मैंने पहले लगा रखे थे पौधे, तो उसमें ना फूल ही नहीं आ रहे थे, तो उसे भी मैंने हटाकर यहाँ पे मनी प्लांट्स लगा दिए हैं, क्योंकि अभी जो सीज़न है बारिश का तो मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, और ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिखता है। तो अगर आप दूर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है मेरा फ्रंट विंडो का। तो और फूल तो मेरे गार्डन में हमेशा ही रहते हैं, सुबह सुबह देखोगे तो हर तरफ फूल ही फूल नज़र आएंगे, और आजकल पोर्टुलका में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और मैं हूँ आंचल। और अभी अभी मैंने आप सभी को मेरा गार्डन दिखाया, कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे आदित्य देखो क्या कर रहा है, आदि आदि क्या कर रहे हो, देखो बात भी नहीं सुन रहा है। वैसे ये कर क्या रहा है? ओह अच्छा, ये इसने पोकेमॉन्स के कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं, इसी से खेल रहा है। आदि दिखाओगे? दिखाओ ना सबको। नहीं दिखाओगे? भाग गया। और ये खा रहा था खाकरा। रुको, अभी आदित्य बाहर गया है खेलने, मैं अभी दिखा देती हूँ उसके ड्राइंग्स। तो ये पोकेमॉन्स के ड्राइंग्स है जो वो रोज़ ड्रॉ करता है, कलर करता है। वो पोकेमॉन का कोई एक कार्टून शो आता है, उसी में से इसने ये ड्राइंग देखे, मतलब वो यूट्यूब पे देखता है और उसी में से फिर देख देख के ये ड्रॉ करता है, कलर करता है। आदि ये क्या है? नाम तो पता नहीं क्या क्या है, पर उसने बहुत सारे ड्रॉ कर दिए हैं, और आजकल स्कूल नहीं कुछ नहीं तो बस यही सब चलता रहता है दिन भर। और अभी मैं किचन आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, मुझे अभी वॉशिंग मशीन में डाल देने हैं। और मेरे आज काम बहुत से काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और आज लंच में मैंने बनाया था दाल पालक, ये देखो। और आदित्य के पापा भी अभी ऑफिस चले गए हैं, और आज बर्तन मुझे ही घिसने पड़े क्योंकि अलका दीदी अब 2 दिन छुट्टी पे है इसलिए। और आज मैंने पीनट की चटनी बनाई, पीनट मतलब वो शेंगदाना होता है ना, उसकी चटनी। तो ये आदित्य के पापा को बहुत पसंद है इसलिए मैं बना कर रखती हूँ। और मेरे डाइनिंग टेबल पे ये बास्केट में हमेशा ड्राई फ्रूट्स रहते ही है, ताकि याद रहे कि ये खाना ही है। और यहाँ पे मैंने अचार डाला था नींबू का, वो मेरा पुराना वाला मिरर टूट गया था तो मैं अभी नया लेके आई हूँ, तो कैसा दिख रहा है मुझे बताना। और आज मुझे मेहंदी भी लगाना है, मेहंदी का पैक ये कल रात को ही मैंने भिगो के रख दी थी। और मैं हमेशा वो गोदरेज की मेहंदी आती है ना, वो यूज़ करती हूँ, सिंपल वाली ही ना, उसमें कोई मिक्स नहीं रहता वो वाली। तो मैंने लोहे के कढ़ाई में मेहंदी, आंवला पाउडर, एक नींबू और कॉफ़ी पाउडर ये सब मिक्स करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं पानी निकाल रही हूँ आदित्य को नहलाने के लिए, वो बाथरूम में नहीं नहाता है, उसे बाहर नहाना ही बहुत पसंद है। और आज मौसम देखो ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है, और आजकल तो हर रोज़ ही बारिश हो रही है, कभी सुबह होती है, कभी दोपहर में होती है, या फिर कभी कभी फिर शाम को भी होती है। और बारिश के दिनों में ये सब हमारे यहाँ बहुत आते हैं, इसको क्या बोलते, शायद पैसा बोलते। और यहाँ पे एक टेबल था, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, तो वो मैंने मेरे बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पालवी ने ही कहा था मम्मी मुझे मेरे रूम में ही ये टेबल चाहिए,
क्योंकि वो खुद का उसका जो चैनल है उस पे वो करती रहती है ड्राइंग ये वो। तो ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग है और ये बहुत ही रियल लग रही है। और इसका उसको इसमें इतना इंटरेस्ट है ना ड्राइंग में कलरिंग में। ये देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये प्रिंट किया हुआ है, लेकिन ये उसने खुद निकाला है, ड्रॉ किया है, उसको शेडिंग वगैरह वो खुद करती है। मुझे भी बचपन में बहुत शौक था ड्राइंग का, लेकिन शादी के बाद अभी सब भूल गई, अब कुछ ड्राइंग नहीं कुछ नहीं। और अभी देखो बातें करते करते अभी 1 बजने वाला है और मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, तो अभी मैं उसे बाहर सुखाने जा रही हूँ। सुबह ऐसे लग रहा था कि बहुत बारिश होगी यार, कपड़े डालू कि नहीं धोने के लिए, लेकिन मैंने डाल दिए थे। और अभी देखो बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं यहाँ सामने वाले आंगन में ही डाल रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि पीछे जो एरिया है हमारा तो वहाँ पे थोड़ा एक बड़ा सा पेड़ है, तो उसकी वजह से ना फिर धूप अच्छे से आती नहीं है, तो मैं अभी इधर कपड़े डाल रही हूँ। तो आज का काम तो मेरा बहुत सा मतलब पूरा ही हो चुका है, बस अभी खाना वगैरह बाकी है। तो आदित्य अभी यहाँ पे खेल रहा है और जब उसकी पसंद की सब्ज़ी नहीं होती है ना तो उसको हाथ से खिलाना पड़ता है मुझे, नहीं तो वो खाता ही नहीं है, तो इसलिए ज़बरदस्ती मैं उसको यहाँ पे खिला रही हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।